हे गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? नहीं, गुड आफ्टरनून नहीं, एंड गुड इवनिंग हो रहा है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज तो मेरा सिर भड़ास हो रहा है, एकदम लेस लग रहा है, उड़ जाएगा अब, क्योंकि आज मेरा फास्टिंग है जितिया का। आप लोग को पता है जितिया त्यौहार अपने बच्चे के लिए किया जाता है। तो मैं इसमें क्या होता है आपको मैं बता दूं, इसमें क्या होता है, जो करती होंगी उनको पता होगा, और जो नहीं करते उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि इसमें होता है निराजल व्रत। अब आप लोग सोचोगे निराजल व्रत क्या होता है? तो निराजल उसे कहते हैं कि जिसमें ना हम तो पानी पी सकते हैं, खाना तो बहुत दूर की बात है, एक घुटकी पानी की बूंद भी मुंह में नहीं जाता है। और बहुत कठिन त्यौहार है जो अपने बच्चे के लिए किया जाता है। हमारे बिहार में दो त्यौहार ऐसा आता है, दो नहीं तीन, तीन में सबसे हार्ड होता है जो छठ पूजा होता है। बट ये दो भी, ये दो है जो एक हस्बैंड के लिए किया जाता है, तीज जो इसके पहले निकल चुका, तो सॉरी तो मैं नहीं की थी, तो आप लोग को क्या बताती, वट जुतिया की हूँ अपने बेटवा बिटिया के लिए। तो देख सकते हैं ये हमारी बिटिया है जो ट्यूशन से आ गई है, और बेटवा हमारा ट्यूशन से आकर नीचे चला गया है खेलने के लिए। तो अब मैं भी रेडी होंगी गाइज, और नहा धोकर मंदिर जाऊंगी पूजा करने। तो वो ब्लॉग आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा, बहुत मज़ा आएगा, बहुत लोग पूजा करते हैं। कैमरा मैन को ले जाऊँगी साथ में। कैमरामैन फोकस करो, हमारी बिटिया आ रही है, शैतान बिटिया है जो कि इतना पढ़ाई करती है, इतना पढ़ाई करती है कि दिखाऊं आप लोगों को, हैंड देखो, हैंड देखो, नहीं ये देखो, ये देखो पूरा हैंड पे पढ़ाई होता है। किधर गया जी? ये देखो आप लोग को, देखो आप लोग के बच्चे ऐसे पढ़ाई करते हैं? आप लोग कमेंट करके मुझे बताना तो जरा, आप लोग के बच्चे ऐसे पढ़ते हैं पूरे हैंड और उसमें लिखकर? तो बोलने का भी मन नहीं कर रहा है बहुत ज्यादा, मतलब सिर में दर्द होने का रीजन क्या होता है ना, क्योंकि चाय की जो आदत होती है। हाँ ये तो फीवर चाय है, बढ़ रहा है, देख सकते हो आप लोग। मेरे को भी हुआ था ना, पहले लिप्स में हुआ, अब सारा बढ़ रहा है इधर की साइड में। तो सिर में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि चाय पीने की आदत है, मॉर्निंग में चाय मिली नहीं, तो अब जाके सिर में पेन होने लगा है। सुबह से सही था, तो अब मैं सोच रही हूँ अब मैं नहा धो लूँ, और नहा धोकर फटाफट रेडी हो जाऊँ, मिलूँगी आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में मंदिर में। बहुत मज़ा आएगा, इसमें पूजा नहीं, मतलब पूजा होता है बट मुझे पूजा नहीं करना है, मैं वहाँ पे जाके ओनली कथा सुनूंगी, और जो भी नियम होता है वो करूँगी, और जैसा भी जो होगा मैं आप लोग को दिखाऊंगी। तो किनको किनको वेट रहेगा हमारे अजितिया पूजे का ब्लॉग देखने के लिए, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और बताइएगा मुझे। और चलिए इसे यहीं पेंट करूँगी, लॉन्ग नहीं करना है मुझे, मैं बस ऐसे आप लोग से बातें कर ली छोटी सी ब्लॉग में आकर। तो कैसा लगा, और कौन कौन जितिया करते हैं, कौन कौन जितिया के बारे में जानते हैं, तो मुझे पता चलेगा कि हमारे बिहार से कौन कौन लोग हैं जो मेरा ब्लॉग देखते हैं। ये क्योंकि बिहार में ही होता है, बिहार का ही त्यौहार है, तो बिहार में ही लोग जितिया करते हैं। और हाँ, ये जो तीज होता है कुछ यूपी के लोग भी करते हैं, कुछ बिहार के लोग भी करते हैं, बट जितिया जो है हमारे बिहार के लोग ही करते हैं। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, और अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और इसी तरीके के घरेलू वीडियो अगर देखनी होगी, हमारा घरेलू वीडियो होता है भाई जो भी नेचुरल चीज़ है, मैं कोई फेक नहीं दिखाती, जो हमारे लाइफ का सच्चाई है वो मैं दिखाती हूँ। तो अगर इस तरह का वीडियो आप लोग को देखना होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलूंगी फाइनली गाइस नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तो जब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।